बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 10 करेंगे, चैप्टर नंबर 6, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमने स्टार्ट किया था। तो एज यूजुअल हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो इसमें हमने क्या सीखना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पाइट्रा गुनाटास एंड कॉर्पोरेशन यूजेस प्रोसेस कास्टिंग टू अकाउंट फॉर द कास्ट ऑफ इट्स ओनली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डी। एक प्रोडक्ट ये बनाते हैं, उसकी हमने मालूम करना है। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन 3 डिपार्टमेंट्स, फैब्रिकेशन, असम्बली एंड पैकेजिंग। 3 डिपार्टमेंट्स हैं, फैब्रिकेशन है, असम्बली है और पैकेजिंग की है। At the end of the fiscal year, June 30th, the following inventory of product D is on hand. A. No unused raw material or packaging material. B. Fabrication department, 300 units, 1/3 complete L2 raw material and 1/2 complete L2 direct labor. तो आपने ये consider करना है कि fabrication department जो है ये हमारी पहली department है, और उसके बाद सेकंड असेंबली और तीसरी पैकेजिंग है। और फैब्रिकेशन पहली डिपार्टमेंट का मैं बता रहा है कि 300 यूनिट्स जो हैं वो 1/3 कंप्लीट हैं एज टू रॉ मटेरियल एंड 1/2 कंप्लीट एज टू डायरेक्ट लेबर। असेंबली डिपार्टमेंट उससे अगली है, उसकी बात की जाए तो 1000 यूनिट्स 2/5 कंप्लीट एज टू डायरेक्ट लेबर। उनमें से जो डिपार्टमेंट असेंबली है वो 1000 यूनिट्स में से 2/5 कंप्लीट एज टू डायरेक्ट लेबर है, यानी कि डायरेक्ट लेबर की फैब्रिकेशन में भी हमें बताया गया है और असेंबली डिपार्टमेंट में बताया गया। असेंबली डिपार्टमेंट में हमें मटेरियल वगैरह का कुछ नहीं बताया गया। पैकेजिंग डिपार्टमेंट थर्ड है और इसमें हमें बताया गया 100 यूनिट्स 3/4 कंप्लीट एज टू पैकेजिंग मटेरियल एंड 1/4 कंप्लीट एज टू डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर की अगर बात की जाए तो तीनों डिपार्टमेंट में बताया गया उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और दूसरी स्टेज में हमें पहली डिपार्टमेंट में हमें मटेरियल प्लस लेबर, दूसरी डिपार्टमेंट में सिर्फ लेबर, तीसरी डिपार्टमेंट में पैकेजिंग मटेरियल और लेबर का बताया गया कि उनकी क्या स्टेटस है। शिपिंग और फिनिश गुड्स एरिया जो है उसमें 400 यूनिट्स पड़े हुए हैं, कंप्लीट हैं। जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो फिनिश्ड एरिया में कंप्लीट ही जाती हैं, तो वो पड़ी हुई हैं और उनकी तादाद है 400 यूनिट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तीन रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इन ऑल इन्वेंट्रीज एट जून 30th, जितने भी इन्वेंट्री है उसमें रॉ मटेरियल हमने देखना है जून 30th को कितना जो था उसकी इन्वेंट्री, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी थी, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरे नंबर पे द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ द फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर इन ऑल इन्वेंट्रीज एट जून 30th, के फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें जून 30th तक डायरेक्ट लेबर का क्या स्टेज थी। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पैकेजिंग मटेरियल इन ऑल इन्वेंट्रीज एट जून 30th, और जून की 30 को जो है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इन ऑल इन्वेंट्रीज, ये हमने बतानी है। और ये AICPA का अडॉप्टेड क्वेश्चन है और हमने इसको सॉल्व करना है 1/1। चलिए मूव करते हैं। आपने बुक अपने पास रखनी है ओपन, ताकि हम जो पहली रिक्वायरमेंट है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें था नंबर 1 हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इन ऑल इन्वेंट्रीज डेट है जून की 30 को। तो क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहले हमारे पास फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है, तो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट उसमें हमारे पास 300 यूनिट से 1/3 कंप्लीट है, 300 मल्टीप्लाई 1/3
थ्री यानी कि डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स आ जाएंगे 100। और उसके बाद हम मूव करते हैं असेंबली डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स एज कम्प्लीट 2x5 कम्प्लीट एज टू डायरेक्ट लेबर, यानी कि असेंबली डिपार्टमेंट में जितने हैं उनमें सब में मटेरियल एडेड है असेंबली डिपार्टमेंट में, क्योंकि मटेरियल होने के बाद ऐड होने के बाद ही वो मूव हुए असेंबली डिपार्टमेंट में। 1000 यूनिट्स हैं और इन सब को आप रॉ मटेरियल के लिहाज से कंप्लीट तसव्वुर करें। और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, 100 हैं, तो वो भी इस फेज़ से गुजर के गए हैं पहली स्टेज से, तो उधर ही मटेरियल ऐड किया जाता है रॉ मटेरियल, तो उनमें भी एडेड है। पैकेजिंग में 100 यूनिट्स हैं और ये 3x4 कंप्लीट टू एज जो है वो पैकेजिंग पैकेज मटेरियल और 1x4 कंप्लीट एज टू डायरेक्ट लेबर है, तो रॉ मटेरियल में सब में एडेड है। और इसके बाद फिनिश या शिपिंग एरिया जो है उसमें फिनिश गुड़ जो पड़ी हैं वो भी उनमें भी रॉ मटेरियल है, शिपिंग एरिया में 400 यूनिट्स हैं और वो भी कंप्लीट हैं हर लिहाज से डायरेक्ट रॉ मटेरियल के लिहाज से, तो इन सब को ऐड करें तो 1600 यूनिट्स बनते हैं रॉ मटेरियल के हिसाब से। अब दूसरी रिक्वायरमेंट जो हमारी है, यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट जो हमारी है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर इन ऑल इन्वेंट्रीज, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर इन ऑल इन्वेंट्रीज, तो सबसे पहले हमारे पास देखें फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में 300 यूनिट्स 1x3 कंप्लीट एज टू रॉ मटेरियल एंड 1x2 कंप्लीट एज टू डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर के लिहाज से 1x2 कंप्लीट हैं और टोटल यूनिट्स थे 300 यानी कि आधे। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट 300 मल्टीप्लाई 1x2 150 यूनिट्स आ जाएंगे। और उसके बाद असेंबली डिपार्टमेंट में उसमें रीडिंग करें तो असेंबली डिपार्टमेंट 1000 यूनिट्स एज टू 2x5 कंप्लीट एज टू डायरेक्ट लेबर, तो जो असेंबली डिपार्टमेंट में गए हैं तो वो फैब्रिकेशन से प्रोसेस होके गए हैं, इट्स मीन के फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में जो डायरेक्ट लेबर का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब असेंबली डिपार्टमेंट में उन्होंने डायरेक्ट लेबर की स्टेज बताई 2x5, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ पे इसकी जो आंसर होगा 1000 को आपने कंसिडर इसलिए किया कि ये फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट से होके आए हैं 1000 यूनिट, और फैब्रिकेशन में कंप्लीट होके जब निकले हैं तो उधर डायरेक्ट लेबर जितनी भी रिक्वायर्ड थी वो हो चुकी है, इस पर कंप्लीट हो चुका है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद पैकेजिंग डिपार्टमेंट में 100 यूनिट थे वो भी इसी तरीके से प्रोसेस होके आए हैं, तो उनको भी आपने ऐड कर देना सेम इट इज़। और फिनिश एरिया में जितने पड़े हैं फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो हैं 400 और वो भी कंप्लीट सेम इट इज़ आ जाएंगे। और इस तरीके से हमारे पास 1650 जो हैं डायरेक्ट लेबर एज विद रेस्पेक्ट टू फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमने ये ऐड कर देना है। अब इसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी, वो है इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स इन ऑल इन्वेंट्रीज और ये डेट है जून की 30। तो आपको पता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ही जाके पैकेजिंग होते, तो जितने उधर यूनिट्स होंगे उन्हीं पे पैकेजिंग होगी, प्लस जो फिनिश गुड एरिया में गए होंगे वो पैकेजिंग से गुजर चुके होंगे, तो पिछली दोनों को हम छोड़ देंगे असेंबली और फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट को, तो इट्स मीन के जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में 3x5 कंप्लीट एज टू ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट है और उसमें 100 हैं और वो कितने कंप्लीट हैं,
वो 3/4 हैं, 3/4 यानी कि 100 का 3/4 जो होता है 75 होता है, और जो शिपिंग एरियाज में पड़े हैं वो भी पैकिंग हो के पड़े हैं, तो इट्स मीन के वो 400 हैं और वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे और 475 ये यूनिट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने हर लिहाज से देख लिया। तो अब समझने वाली इस क्वेश्चन को एक ही बात है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, कि सबसे पहले जो काम होगा वो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में होगा, और फैब्रिकेशन में जो यूनिट्स निकलेंगे उनमें फैब्रिकेशन के लिहाज से जितना काम होना था वो सारा हो चुका है, और अब असम्बली में जाएंगे, और असम्बली में जो होंगे उन पे पैकेज फैब्रिकेशन वाला सारा काम हो चुका है, और असम्बली की जितनी वर्किंग है वो स्टेज बता देंगे, और जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में होगा उनमें फैब्रिकेशन और असम्बली वाला सारा काम हो चुका होगा, और जो शिपिंग एरिया में फिनिश गुड पड़े हैं तो जितनी भी वो पिछली स्टेजेस यानी फैब्रिकेशन असम्बली और पैकेजिंग डिपार्टमेंट से होके आए हैं उन सब पे काम कंप्लीट हो चुका है। और यही वजह है कि शिपिंग एरिया में जो 400 यूनिट्स पड़े हुए थे उनको हर लिहाज से हमने सब में 400 ऐड किया, क्योंकि उनमें फैब्रिकेशन का काम, असम्बली का काम, पैकेजिंग का काम कंप्लीट था, इसलिए हमने 400, बाकी उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन को आपने देखना है कि किस स्टेज पे वो पड़े हुए हैं। तो ये था इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं तो ये इसको ग्रिप करना मुश्किल होगा। तो आपने ये जो आपको एंड पे मैंने एक थ्योरी बताई है इसको सॉल्व करने के लिए, वो आपने माइंड में रखनी है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। हार्वर्ड अकेडमी को इजाज़त दीजिए, और हमारी एक्सरसाइज का एरिया कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।